वर्कआउट करते हुए कैसे कपड़े हमें डालने चाहिए, कैसे शूज हमें डालने चाहिए, यही डाउट आपको भी आता है। Just wanna see me in the grave. Come out the law in the rave. So hello everyone, hope you all are doing good. मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं सी पावर। So अगर proper knowledge आपको चाहिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए देखे। Calling your phone, why you not hitting me back? सबसे पहले हम बात करते हैं शूज के बारे में। एज वी ऑल नो दैट कितने टाइप्स के शूज होते हैं यार, लाइक कैनवस हो गए, स्नीकर्स हो गए, है ना, बास्केटबॉल शूज हो गए, फ्लीट्स हो गए, स्पोर्ट्स शूज हो गए, बहुत सारे टाइप के शूज होते हैं। लेकिन हमें कौन से टाइप के चाहिए वर्कआउट करते हुए, तो कब और कैसे और कौन से शूज हमें डालने चाहिए? तो जैसे कि कुछ एक्सरसाइजेज है जिसमें हमें बहुत तेज़ दौड़ना पड़ता है, बहुत क्विकली फास्ट रन करना पड़ता है, तो उस टाइम पे कौन से शूज़ हमें चाहिए? लाइक फ्लीट्स आप इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपका बॉडी का बैलेंस बना रहे, आपकी ग्रिप बनी रहे और आपको इंजरीज के चांसेस कम रहे, क्योंकि जितना बड़ा सोल होगा उतनी इंजरीज के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि एंकल ट्विस्ट हो सकता है। तो अभी हम बात करते हैं रनिंग की, कि कौन से पाथ पे हमें रनिंग करनी चाहिए, क्या कच्चे पाथ पे हमें रनिंग करनी चाहिए या पक्के पाथ पे हमें रनिंग करनी चाहिए। अब जैसे कि हमें पता है कि पार्क्स में बहुत सारे रॉ पाथ्स बने हुए हैं, कच्चे पाथ्स बने हुए हैं और रनिंग ट्रैक्स बने हुए हैं, तो हमें रनिंग हमेशा कच्चे पाथ पे करनी चाहिए। उससे आपकी नीज़ को प्रॉब्लम नहीं होगी, नीज़ में कोई इंजरीज नहीं होगी। और अगर आपके पास फिर भी कोई ऑप्शन नहीं है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्पोर्ट शूज़ का, जो कि आपके नीज़ पे जो प्रेशर पड़ रहा है उसको कम करेगा और आपको प्रॉब्लम से बचाएगा। तो स्पोर्ट्स शूज़ आप पहन सकते हैं रोड पे रनिंग करते हुए, अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो इससे क्या होगा कि जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा और आपके नीज़ पे प्रेशर कम आएगा और प्रॉब्लम कम होगी आपकी नीज़। तो लाइक हम स्पोर्ट्स शूज़ जिमिंग करते हुए पहन सकते हैं, ट्रैवलिंग करते हुए पहन सकते हैं, साइकिलिंग करते हुए पहन सकते हैं, और भी कहीं भी इसमें आप यूज़ कर सकते हो स्पोर्ट्स शूज़ को। और दोस्तों एक चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, वो है कि जो आपके शूज़ की क्वालिटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सपेंसिव शूज़ लो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो शूज़ उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका सोल अच्छा होना चाहिए, उसकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपको कोई चोट ना लगे, आपको कोई इंजरी ना हो। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जो शूज़ है वो वेयर आउट ना हो, घिसे ना हो। तो अगर वो घिसे हुए होंगे तो आपके स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपको पता लग चुका है कि शूज़ किस तरीके से हमें डालने हैं, और आज भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमें कपड़े किस तरह के डालने हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर वन आता है अपर बॉडी क्लोथ्स, कि हमें कौन से किस टाइप के क्लोथ्स डालने चाहिए। नंबर वन, आप ड्राई फिट पहन सकते हो, कॉटन की टी शर्ट्स पहन सकते हो, आप स्किनी पहन सकते हो, बट आप शर्ट बिल्कुल मत पहनना वर्कआउट के दौरान, हैवी क्लोथ मत पहनना जो आपको स्किन को हार्श करे, इसमें आपको बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। पॉलिएस्टर वाले टी शर्ट्स डाल सकते हैं वर्कआउट करते हुए, ड्राई फिट सिस्टम के। नाउ द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा लोअर बॉडी क्लोथ्स हैं वो कौन से होने चाहिए, क्या वो जीन्स होने चाहिए, क्या वो पजामा होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे कम्फर्टेबल चीज़ है, आप शॉर्ट डाल सकते हो, आप पजामा डाल के कर सकते हो, आप ट्रैक पैंट्स डाल सकते हो, आप ड्राई फिट डाल सकते हो, डाल के आप वर्कआउट करोगे तो आपको बहुत ही ईजी रहेगा, बहुत ही।